वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट अपडेट में। और इस अपडेट में हम लोग बात करने वाले हैं दिल राजू की अपकमिंग 3 इपिक ड्रामा प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको लेकर जो है मार्केट में एकदम अलग ही लेवल का क्रेज चल रहा है। और पिछले 7-8 दिन से इसके लेकर न्यूज़ आ रही थी, और दिल राजू ने जिस तरह से 3 प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट किया है, इसमें से एक प्रोजेक्ट जो है प्रभास के साथ होने वाला है, जिसमें डायरेक्शन देने वाले हैं प्रशांत नील सर। और उनमें से जो दूसरा प्रोजेक्ट होगा वो जटायु को लेकर होने वाला है, और तीसरा प्रोजेक्ट का नाम है रावणम। अब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इनमें से कहा जा रहा है रावणम, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक अलग लेवल पे बनेगी, और इसमें लीड रोल में दिखेंगे डार्लिंग प्रभास, और उनको लेकर प्रशांत नील जो है डायरेक्शन करने वाले हैं इस फिल्म में, और प्रोड्यूस करेंगे दिल राजू। लगभग 300 से 400 करोड़ का बजट होगा, ऐसा न्यूज़ निकल के आ रही है। और बाकी के जो दोनों प्रोजेक्ट है उसको लेकर कोई भी हीरो का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अभी तक कोई कास्टिंग का अनाउंसमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन प्रोड्यूसर दिल राजू का रिसेंट इंटरव्यू में जिस तरह से उन्होंने बोला, उसे देखते हुए यही लगता है कि इसी साल इन दोनों प्रोजेक्ट का भी कास्टिंग आने वाला है। मोहन कृष्णा एंड शैलेश जो है इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, बाकी के जो दो प्रोजेक्ट होगा उसमें डायरेक्टर ये दोनों रहने वाले हैं। अब अगर हम बात करें प्रभास की प्रोजेक्ट की, यानी कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी रावणम, जिसका अनाउंसमेंट दिल राजू ने किया है, उसका जो शूटिंग है मुझे जितना लगता है 2024 से पहले ये तो दिखता नहीं है, तो 2024 के लास्ट हाफ में हो सकता है रावणम का अनाउंसमेंट आए और स्टारकास्ट का अनाउंसमेंट आए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा बाकी के जितने भी प्रोजेक्ट है वो 2024 तक एंड करने वाले हैं। हाई एंड VFX के साथ हमको बहुत बड़ा स्टोरी लाइन देखने को मिलेगा और सबको पसंद आएगा, ऐसा दिल राजू का कहना है। सो आप लोग किस प्रोजेक्ट को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।